इसरो प्रमुख के सिवन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की लोकेशन का पता लगा लिया गया है। चंद्रमा की कक्षा में चक्कर काट रहे ऑर्बिटर ने उसकी थर्मल इमेज उतारी है, जिसमें वह चांद की सतह पर उल्टा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इसके पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि विक्रम लैंडर चांद की सतह से तेजी से टकराकर चकनाचूर हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से यह आशंका गलत निकली। उल्टा पड़ा है विक्रम लैंडर। जी हाँ, इसरो प्रमुख ने थर्मल इमेज के आधार पर यह जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि फिलहाल विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं किया जा सका है और उसे कितनी क्षति पहुँची है इसका भी आकलन नहीं किया जा सका है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की टीम विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रही है। विक्रम लैंडर की लोकेशन का थर्मल इमेजिंग से पता लगने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी इस सवाल का जवाब तलाश करना है कि चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद विक्रम लैंडर को कितना नुकसान पहुंचा है, उसे दोबारा संपर्क किया जा सकता है या नहीं। एक न्यूज एजेंसी से इसरो के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि ऐसा लगता है कि लैंडर चांद की सतह से तेजी से टकराया है और इस कारण वह पलट गया है। अब उसकी स्थिति ऊपर की ओर उल्टा पड़ा हुआ है, चकनाचूर नहीं हुआ है विक्रम लैंडर। हालांकि अभी विक्रम लैंडर से दोबारा संपर्क किए जाने की उम्मीदें बरकरार हैं। अगर उसके अंदरूनी यंत्रों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा तो विक्रम लैंडर से फिर से संपर्क किया जा सकेगा। उसके अंदर ही प्रज्ञान रोवर है। अगर विक्रम लैंडर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर काट रहे ऑर्बिटर के सिग्नलों को रिसीव करने की स्थिति में होगा तो उसे सिग्नल भेजकर प्रज्ञान रोवर को एक्टिव किया जा सकेगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।